साथ साक्षी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजू श्रीवास्तव की। आज का प्रोग्राम राजू श्रीवास्तव पर। राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है, लेकिन निधन के बाद परिवार के क्या हालत है, फैंस की क्या हालत है, तो वही उनके दोस्तों की क्या हालत है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मातम में है, परेशान है, हैरान है, और इसी के साथ उनके फैंस भी परेशान है। परिवार का तो बुरा हाल है ही, लेकिन जिस तरह से राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर है, गंभीर थी, उसके बाद परिवार जो है पहले से परेशान था, लेकिन जैसे ही राजू श्रीवास्तव ने आज दम तोड़ा, परिवार बुरी तरीके से टूट गया। बयान उनकी पत्नी का भी आया, बयान कई नेताओं का भी आया। यहाँ पर है अखिलेश यादव और ऐसे कई नेता, चाहे वो मनोज तिवारी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई राजू श्रीवास्तव को लेकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। राजू श्रीवास्तव की हालत जिस तरह से बिगड़ती जा रही थी, उस बीच हर कोई सोच रहा था कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जब राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार होने लगा, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव के लिए उम्मीदें बढ़ गई कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अचानक से छोड़कर चले जाना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुख भरा रहा। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद हर कोई काफी हैरान है, लेकिन आज हम बात करेंगे राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद कुछ ऐसी चीजों की, जहां राजू श्रीवास्तव के बारे में कि उन्होंने कब अपनी लाइफ की शुरुआत की। राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले हैं। धीरे धीरे वो वहां से निकले, काफी मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने निकलकर मुंबई पहुंचे, कॉमेडी शुरू की, और जिस तरह से रियलिटी शो में आए, फिल्मों में काम किया, राजू श्रीवास्तव ने अपने अलग पहचान बना दी। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राजू श्रीवास्तव ने मुंबई पहुंचकर किस तरह से पैसे कमाने शुरू किए, कॉमेडी की, और किस तरह से लोगों को हंसाया, गुदगुदाया और अपना नाम कमाया। तो देखिए ये रिपोर्ट। कॉमेडी राजू श्रीवास्तव का जीवन हो गया। राजू श्रीवास्तव स्टेज पर तो अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हंसाते ही थे, इसके अलावा वे असल जिंदगी में भी बहुत जिंदा दिल इंसान थे। राजू की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में कम ही लोगों को पता है। यहाँ आपको बताएंगे कि राजू श्रीवास्तव की जिंदगी किस तरह से चली, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बिग बी की मिमिक्री से की थी। एक बार राजू श्रीवास्तव ने खुद किस्सा साझा किया था कि कैसे वह अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर भावुक हो गए थे। दरअसल एक बार कौन बनेगा करोड़पति के शो में अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव की आवाज सुनकर एक प्रतिभागी से पूछा कि ये किसकी आवाज है। इस बात के बारे में बताते हुए राजू श्रीवास्तव ने कहा कि वह भाव विफल हो गए। राजू श्रीवास्तव के पिता हास्य कवि थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी। राजू श्रीवास्तव अपने पिता को देखकर सोचते थे कि उनकी तरह ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगे, और बचपन से ही स्कूल में वे अन्य जगहों पर अपने पिता की कविता की लाइनों को सुनाया करते थे। इसके अलावा उन्हें सबकी नकल करने का भी शौक था। जब रेडियो पर वह इंदिरा गांधी की आवाज सुनते तो उनकी नकल करते, इसलिए जब घर में कोई आता तो उनके पिता कहते, बेटा बताओ जरा इंदिरा जी कैसे बोलती हैं। यहीं से उनकी मिमिक्री के बीच अंकुरित हुआ, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा भी अपने पिता की तरह ही टैलेंटेड है। वह पेशे से डायरेक्टर हैं और उन्होंने फुल्लू पलटन, द जॉब, पटाखा और स्पीड डायल जैसी फिल्में की हैं। वहीं राजू श्रीवास्तव के बेटे एक सितार वादक हैं, वे अक्सर राजू के साथ उनके शोज में भी नजर आते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को गजोदर भैया के किरदार से खूब पहचान मिली। उन्होंने टीवी के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इसी किरदार के माध्यम से सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी और आगे बढ़ते चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजोदर भैया कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि गजोदर भैया वास्तविक में थे। राजू का ननिहाल बेहटा शशानक में था, वहां पर वह एक बुजुर्ग गजोदर रहते थे। वह रुक रुक कर बोलते थे, उन्हीं का किरदार राजू ने अपनाया और उस किरदार को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। अब आपको दिखाना चाहेंगे वो वीडियो जहां अखिलेश यादव और कई ऐसे नेता राजू श्रीवास्तव को लेकर बोलते हुए नजर आए हैं। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे।
वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है। और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। से हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गांव गवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहां जहां हिंदी है वहां वहां राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सके। जिस तरह से राजू श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में हमने देखा कि राजू श्रीवास्तव ने किस तरह से स्ट्रगल के साथ अपना नाम कमाया है, इस दुनिया में अपने एक पहचान बनाई है, जहां आज जिस राजू श्रीवास्तव ने हर किसी को हंसाया गुदगुदाया, आज हर किसी की आंखों में आंसू दे गए। राजू श्रीवास्तव के निधन से हर कोई दुखी है, तो वही राजू श्रीवास्तव के डॉक्टर्स पर भी बड़े नाम लग रहे हैं। फिलहाल राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद अब खबर सामने आ रही है कि कल उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में कौन कौन वहां पहुंचेगा, हम इसकी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।